जहां मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि सीएम कमलनाथ का संदेश और सीएसएसआर मोहंती ने सभी संभागों के कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि माफियाओं के नाम पर आम लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाए। इसके अलावा निर्भया कानून में बदलाव पर सहमति देने के साथ ही छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी देने की बात कही और कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दबा माफियाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसी कार्यक्रम में बैनर में फोटो लगने पर कहा कि काम होगा तो फोटो भी लगेगा। विकास की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश सिर्फ माफिया पर कार्रवाई करता ही रहेगा। एक आज संदेश मुख्यमंत्री जी का भी है और चीफ सेक्रेटरी साहब मोहंती जी ने भी कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि माफिया के चक्कर में आम आदमियों को परेशान न हो, ये देखें। और कमिश्नर जो संभागीय कमिश्नर हैं उनके अध्यक्षता में जो कमेटी बनेगी वो देखेगी कि माफियाओं के खिलाफ ही एक्शन हो रहा है या आम आदमी परेशान हो रहा है। तो ये संदेश आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने विदेश यात्रा से वहीं से भेजा है और निश्चित तौर पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं नीचे वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और जो एक्शन प्लान बने उसमें ये सब चीज़ें अच्छे से देख ली जाएँ। एक जो मामला चल रहा है निर्भया वाला, आज बहुत से सांसदों के वो आए कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए। जब फांसी की सजा दे गई मध्य प्रदेश में कुछ मामले हैं, ये बार बार याचिका लगा देते हैं वो टलता जाता है। और जब नियम ये है कि एक याचिकाकर्ता का अगर कैंसिल हो गई है उसकी याचिका तो बाकी सबके लिए वही लागू होना चाहिए क्योंकि प्रकरण एक जैसे हैं। इसलिए इसमें जो कुछ भी हो सकता है मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार इसमें जहां भी ये कानून में इस तरह का कोई फेरबदल आएगा कमलनाथ जी सरकार उसमें पूरा साथ देगी। छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ने का, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, इन सबको जोड़ने का एक प्रक्रिया शुरू हुई है और स्टार एयर कंपनी ने भोपाल से जबलपुर, इंदौर से अजमेर की विमान सेवा उपलब्ध कराई जाएगी और आज से कंपनी ने इंदौर से बेलगांव कर्नाटक के लिए विमान सेवा शुरू की है। तो जो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है, कमलनाथ जी की सरकार, जिससे इन्वेस्टर्स और उद्योगपतियों को कहीं कोई दिक्कत ना हो और वो आ जा सके एक से दूसरी तरफ। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की ही तरह ये दवा माफियाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और 20 दिन में दवा का जो सैंपल लिया जाएगा उसमें उनको रिपोर्ट देना पड़ेगी, ये तय सीमा के अंदर, क्योंकि ये पेंडिंग होता रहता है और फिर केस जब नहीं आती है रिपोर्ट तो जिनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है वो कोर्ट से छूट जाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार जिसका संचालन करती है तो उसमें मुख्यमंत्री का फोटो क्यों नहीं रहेगा? जो यहाँ जमीन पर काम जो है कमलनाथ जी की सरकार उसको उतारेगी। और जब UPA की सरकार थी और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री थे, हर चीज में फोटो लगाते थे, तुम लगाओ तो ठीक और हम लगाएं तो उसकी शिकायत करोगे। इनको समझना चाहिए अब सरकार बदल गई है, ये मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार है, इसलिए उनका फोटो हर जगह मध्य प्रदेश में जो भी कार्यक्रम होंगे लगेगा।